सरदार वल्लभ भाई पटेल का 144वां जन्म दिवस तेरी मंच पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित किया गया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि ये दिवस भारत के लौह पुरुष का जन्म दिवस मनाने का है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे। उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री रहते हुए देश की रियासतों को विलय कर मुख्य धारा में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 144वां जन्म दिवस शहरी मंच पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित किया गया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि यह दिवस भारत के लौह पुरुष का जन्म दिवस मनाने का है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे। उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री रहते हुए देश की रियासतों को विलय कर मुख्य धारा में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने की अद्भुत क्षमता थी। उनमें योजनाएं व रणनीति बनाने में भी महारत हासिल थी और जो एक रियासत छूट गई थी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर एक और इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नर्मदा नदी के तट पर गत वर्ष स्टैच्यू ऑफ यूनिट के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित कर महान विभूति को अविस्मरणीय बनाकर देश व दुनिया को समर्पित किया। अब यह स्थल विश्व मानचित्र पर पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोकर रखने में अपना अहम योगदान दे। इस अवसर पर उन्होंने शहरी मंच से पुलिस बल, कॉलेज ITI, स्कूली बच्चों को NCC, NSS तथा स्काउट एंड गाइड की रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद द्वारा उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की भी शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक कन्हैया लाल, DD ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती मनाई जा रही है और ये प्रेरणा देने वाली और ये ऐतिहासिक क्षण है। स्वतंत्रता इतिहास के बाद देश स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर आज जब वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं पूरे देश में पूरे विश्व में जहां जहां भारत के नागरिक रहते हैं उत्साह का वातावरण है और एक मन में उमंग है कि जो दिक्कतें हमारी थी जो वल्लभ भाई पटेल चाहते थे और ऐसे नेता थे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे जिसके पहले गृह मंत्री बने भारत के उप प्रधानमंत्री रहे ऐसे महान पुरुष का आज हम 144वां जन्म दिवस मना रहे। वल्लभ भाई पटेल जो किसान परिवार में पैदा हुए और जब देश गुलाम था अंग्रेजों का शासन था जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो भारत को चुनौती देकर गए थे कि इस भारत को आप एक नहीं कर सकते। 565 रियासतें हैं और वो रियासतें थी 565 थी जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी। उनके पास अपनी सेनाएं थी, अपने लड़ाकू जहाज थे। उन 565 रियासतों को एक करने की चुनौती देकर अंग्रेज भारत से गए थे और जैसे सरकार बनी पंडित नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने और वल्लभ भाई पटेल जी हमारे गृह मंत्री बने तो पहली चुनौती उनके पास आई गृह मंत्री के पास कि 565 रियासतों को एक कैसे करूं। लेकिन 2 साल के समय में वल्लभ भाई पटेल ने उन बड़ी बड़ी रियासतों को एक करने में देरी नहीं लगाई और 565 रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया। पूरी दुनिया देखती रही और फिर जब रियासतें एक हुई तो पूरा देश बोलने लगा कि अगर देश के कोई लौह पुरुष है तो वल्लभ भाई पटेल है, ये उपाधि उनको दी गई।